Storytellers, what's your story? मेरा नाम I'm tall and thin. ना मेरे बहुत से नाम हैं खंबा चिरा ऊंट का बच्चा निर्मा वाले यूजुअली 14वां वाले की बिल्डिंग बुलाते हैं टीचर ऑलवेज कॉल मी बाय दिवांग गेट आउट ऑफ द क्लास माय फादर यूजुअली एक्नॉलेज मी बाय मिस्टेक इसलिए बोला था मार्क्स उठा दो तो कितने लोग सिंगल हैं यहाँ सवाल गलत था इंजीनियरिंग कर रहे हो साल कितने लोग कमिटेड है बोलते भी तो भाई बताओ बता दो यार नजर नहीं मारूंगा मैं आपका हेड आप करो है ना तो देखो इसका डरने का ये नहीं है मेरी सिर्फ ब्रांच इसी है अंदर से मैं भी मैकेनिकल ही हूँ जितना कॉन्फिडेंस अभी दिख रहा है वो सबसे ज्यादा बाहर मिलोगे तो बस ले रही है जिंदगी पूरे मजे आई यूजुअली हैंग आउट विद द सीनियर्स मेरे जितने सीनियर हैं मैं उनके साथ ही घूमता हूँ ब्रांच वालों को ना तो हमेशा उनके साथ जब घूम रहा हूँ तो मेरी सीनियर्स जो होती है एक दो उनके साथ घूम रहा होता हूँ तो उनके साथ जा रहे हैं हम लोग कैंटीन में यहाँ पे होते हैं उस तरफ से और कोने में खड़े होते दो तीन वहीं से आंखों में गंदगी होती है इनकी आंखों में इतनी ऐसे और ऐसे नहीं कि कौन मैं क्या कोई नहीं है और जब अपने क्लास वालों के साथ होता हूँ है ना दो तीन होती है जो हमारे उनके साथ घूम रहा होता हूँ तो वही सीनियर वहीं से और दोनों जानते हैं कि कुछ नहीं है दोनों आपका नाम क्या भाई संचित संचित तूने वो सुना है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का देख भी रहा है तू आज है ना नहीं होता यार ऐसा कितने लोग यहाँ फर्स्ट ईयर से कितने है ना देखो मैं ऑनलाइन वाला बंदा हूँ ठीक है ऑफलाइन मेरी हुई नहीं थी कुछ ज्यादा जितने हुए ऑनलाइन भी मजे लिए हमने मेरे लिए बंक करना मतलब ऑडियो डिस्कनेक्ट उससे ज्यादा कुछ नहीं था इस कोरोना के चक्कर में मैंने चार बाहर बहन को कोरोना हुआ है टीचर हर बार फोन करते कि बेटा क्यों नहीं आ रहा क्लास में बहन को कोरोना हुआ है योगा वाली मैम ने स्पेशली फोन किया था कि दिवांग यू हैव अ वेरी लो अटेंडेंस मैम मेरी बहन आईसीयू में है तीन महीने के अंदर दो बार ही बहाना मार चुका था मैं सेकेंड सेम तक आते आते मैकेनिकल की वर्कशॉप थी सब खत्म हो चुका था ऐसा लगा कि पास हो जाएंगे तभी मैकेनिकल के वाले का फोन आया कि सर आपकी ना वर्कशॉप में सिर्फ 15% अटेंडेंस है वो भी पहले दो लेक्चर गलती से कर लिए थे सर वो ना बहन कोमा में है आज सामने मैगी ठूस रही थी वो यहीं बैठ देख भी रही है स्पीकर पे था फोन मम्मी को बोला मम्मी कहती सही बोल रहा है और कितने लोगों को ऑफलाइन क्लास मजा आ रही है मजा आ रहा है किसी को ऑफलाइन क्लास में एक हफ्ते में फट चुकी है भाई मेरी है ना अटेंडेंस के चक्कर में बहुत उसमें भी सारा पूरा घंटा पढ़ा के फिर से चला जाते बिना अटेंडेंस दिए बैठा क्यों था मैं और प्रॉब्लम तब होती है जब तुम लोग एबसेंट होते हो और बोलते हैं कि भाई सर ने पूरी अटेंडेंस ली थी और जब आते हो तो सारा 15, 17, 18, 20, 22 निकल लेते हैं एग्जाम्स एलपीडब्ल्यू कितने लोगों ने दी थी अभी एलपीडब्ल्यू दी किसी ने एलपीडब्ल्यू ऑनलाइन एलपीडब्ल्यू मतलब एक कैमरा दिखता था बस पूरी स्क्रीन पे पेपर चिपके थे मेरी बहन मेरे लैपटॉप को बुक बताने लग गई थी इतने पेपर थे हर बार मैं यही कर रहा हूँ और जब भी ऑफलाइन वाइवा हुआ मुझे ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन पैरेलल क्या सीरीज क्या वो भी नहीं पता थे सर्किट बनाना अलग खाली कनेक्शन पैरेलल सीरीज वाइवा पढ़ रहा हूँ तभी फोन आता है कि दिवांग कहाँ है पढ़ रहा हूँ ये लड़की कभी फोन नहीं करेगी आज पूछ रही कहाँ है पढ़ रहा हूँ एग्जाम कुछ नहीं आता क्योंकि वो मेरे बाहर खाने
आज नहीं हो पाया। वाईवा इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ चल ठीक है, तो मेरे को ये लड़कियां लेके ले लेके बोलती ठीक है, मैंने सीधा सीधा ठीक है, तो मैं चली जाऊंगी अकेले रिया श्रेया और मेघा के साथ। इतना जुलम नहीं, पास होना है। पूरी रात जाग के पढ़ा था, मैंने पढ़ा सब कुछ, आता पूरा कोरा, और जस्ट टू मैच द थिंग, सबसे पहला रोल नंबर उम्मीद यहां थी, नॉलेज यहां, कुछ नहीं आता। मैडम के पास आके पूछे कि दीवान 16 में, हाँ व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट ऑसिलेटर, ऑसिलेटर शिफ्ट ऑसिलेटर, लेकिन नहीं डेफिनेशन शिफ्ट ऑसिलेटर, सॉरी मैम, दूसरा सॉरी मैम, तीसरा सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सात सॉरी हुए उसी बात पूछ रही है, कुछ आता है तुम्हें, सॉरी मैम। आखिर में पूछे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैम आपका नाम क्या है, बगल में गधेड़ा पूरे सेम पढ़ाया इसने, पांच नंबर दिए थे, सवाल सुन के तीन कर दिए, और अभी आई थी लिटरली मेरा फोर्थ सेम में आई है, बोल रही है केम छो छोकरा आपने आज छ लोगों फेल थे चौथा सेम में, और मुझे देख के बोली छ, और मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के पांच हैं कौन। हर बार कितने लोगों को शादी में जाना मजा आता, शादी तो गया, शादी क्यों जाते हो भाई, बर्बादी में जाने में मजा आता है, मैयत में जाने से अच्छा। मैंने शादी में जाना छोड़ दिया पिछले दो साल से, बहुत खतरा है भाई, वहां एक बकरा कट रहा है मंडप में, है ना, यहाँ चार ढूंढे जा रहे हैं, पतला मोटा नाटा गाना ढूंढ रहे, पढ़ा लिखा अगर नहीं, और हमारे यहाँ तो जगह इतनी छोटी सी है कि हर बार 19-20 में करा देते हैं शादी, लाइक मेरे पापा की खुद की 22 में हुई थी, और ऐसे नहीं कि बुड्ढे बड़े साणे साले, वो जानते 21 में शादी, तो 18 में सगाई करा देते हैं, मैं कहा 18 में हथकड़ियां 21 में उम्र क्या है, मैं 19 का हूं, रिश्तेदार बोल रहे चलता है। रिसेंटली मेरे मम्मी पापा की 20th एनिवर्सरी थी, मैं फोन कर रहा हूँ, मेरी एग्जाम है, फिर मैंने फोन किया कि मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी, कहती है थैंक यू बेटा हमारे कब दिन आएंगे। ये औरत माँ बन के खुश नहीं है, इसे अब सासू माँ बनना है, यहां मैं अपनी सॉक्स नहीं ढूंढ पाता, पत्नी घंटा। कितने लोगों को वॉचमैन ने रोका है कभी, बोला कुछ बोल रहे ट्रिपल ई पे क्यों जाते हो सालों, और ऊपर से जो फैमिली फंक्शन होते हैं ना उसमें पापा बड़े चिल होते हैं, उन्हें कोई लेना देना, तू मजे कर मेरी जिंदगी बर्बाद तेरा, तो उन्हें कई बार पूछ लेते कि वो जो लंबा लड़का है वो आपका बेटा है, कहते नहीं इट्स अ मिस्टेक।